टीवी अभिनेत्री तुनिशा शर्मा ने 24 दिसंबर को अपने शो के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अभिनेत्री की मौत के बाद से ही हर कोई सदमे में है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि हमेशा हंसती खिलखिलाती रहने वाली तुनिशा ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। अपनी इकलौती बेटी को खोने के बाद से ही तुनिशा की मां टूट गई है। वहीं अब परिवार से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले दिवंगत अभिनेत्री के घर पहुंचे। रामदास अठावले ने मृत तुनिशा शर्मा की मां से मुलाकात के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में एडवोकेट उज्जवल निकम जी से उन्होंने बात की है ताकि आरोपी जीशान खान को फांसी की सजा दिलाई जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तुनिशा शर्मा की मौत के बाद उनकी मां असहाय हो गई है, इसीलिए वे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात कर उन्हें 25 लाख का मुआवजा देने की मांग करेंगे। उनकी पार्टी मृत तुनिशा शर्मा की मां को 3 लाख की सहायता देगी। लव जिहाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके इस मामले में उनकी मां से किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने क्या कहा, किस तरह से उनकी बेटी दुख में थी, तनाव में थी, क्या सीजान की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी? माता जी से पूरी बात हमारी हुई, आधा घंटा तक मम्मी के साथ बात करते रहे और उन्होंने मतलब वो बहुत बड़ा दुख जताया है और जो सीजान है, सीजान खान है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह की मतलब बातें उन्होंने हमारे सामने की है। मैंने भी आश्वासन दिया है कि पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं और सीजान को कठोर सजा मिलनी चाहिए। और हमने उनको पूछा कि भाई कितने दिनों के से उनके संबंध थे, मुझे जानकारी मिली कि 3 महीने से उनकी पहचान हुई थी। मतलब एक सीरियल में दोनों एक साथ आए थे और मतलब उन्होंने मतलब उनको इतना ट्रैप करने का प्रयत्न किया, वो घर बुलाते थे, उनके माता जी घर बुलाती थी और इसी तरह की बातें चल रही थी, लेकिन उनके संबंध पहले से ही किसी और लड़की से थे। ये जब को मालूम हुआ तो उन्होंने मतलब ये स्टेप उठाया, लेकिन अभी फैमिली पूरी बेसहारा हो गई है। अभी मैंने उज्जवल निकम से बात की है और उन्होंने ये केस में मतलब उज्जवल निकम को लाने की आवश्यकता है, तो मैं कल या परसों ही मैं देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने वाला हूँ और इस केस में उज्जवल निकम को मतलब सरकारी वकील के माध्यम से लेने के लिए हम पत्र देने वाले हैं। उसके साथ साथ माता जी ने बोला कि मेरा पूरा सहारा मेरी बेटी थी उस पर ही, क्योंकि मेरे मेरे पति है नहीं है और इसीलिए उनके काम पर ही हमारा घर चलता था, लेकिन अभी मैं पूरी बेसहारा हो गई हूँ। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री जी को मिलूंगा, माननीय एकनाथ शिंदे जी को, और मुख्यमंत्री फंड से इस फैमिली को 25 लाख रुपया, 25-30 लाख रुपया तो मिलना चाहिए। उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को मिलने वाला हूँ और उसके बाद हमारे पार्टी की तरफ से भी हम एक 3-1 लाख की मदद जो है ये हमारी पार्टी की तरफ से हम देंगे। और भी लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये माता जी पूरी बेसहारा हो गई है, उनको और भी लोगों ने मदद करने की आवश्यकता है। सरकार तो मदद करेगी ही, लेकिन बाकी के लोगों ने भी मदद करनी चाहिए। और इस केस में पूरी जांच करने के लिए मैंने जो ECP है उनसे भी मेरी बात हुई है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भाई इस केस में मतलब सीजान अभी, उनको और भी लोगों ने मदद करने की आवश्यकता है। सरकार तो मदद करेगी ही, लेकिन बाकी के लोगों ने भी मदद करनी चाहिए। और इस केस में पूरी जांच करने के लिए मैंने जो ECP है उनसे भी मेरी बात हुई है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भाई इस केस में मतलब सीजान अभी पुलिस कस्टडी में है और इस केस की पूरी इंक्वायरी चल रही है और मतलब इस केस में सीजान को किसी के कड़ी सजा मिल सकती है। सर, जिहाद का एंगल भी है, जिहाद का एंगल भी, बहुत लोग ये मान रहे कि सीजान रिलेशनशिप में था, उसने जानबूझ के ट्रैप किया, बेवकूफ बनाया, धोखा दिया, तो क्या ये लव जिहाद का भी मामला लग रहा है आपको? मतलब धोखा तो दे दिया, मतलब इनको सजा मिलनी चाहिए, कौन से साइड से सजा होनी है, लेकिन उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे केस में भी मुझे लगता है कि जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो भी मतलब इसके बारे में
जरूर विचार करेगा। और ये मतलब एक नौजवान लड़की थी और इनकी जिंदगी में मतलब भविष्य में उनको बहुत बड़ा मौका था फिल्म में काम करने का और भी बड़ा बनने का, लेकिन 3 महीने के पहचान में मतलब ऐसा इतना हादसा हुआ है और उनको मतलब इन्होंने धोखा नहीं देना चाहिए था। अगर दूसरी लड़की के साथ उनका प्यार था तो इनको धोखा देने की आवश्यकता नहीं थी, तो उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया कि उससे ही मतलब रुचि शाह ने आत्महत्या की है, उसके लिए जीजान जिम्मेदार है और उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। सर, परिवार ये कह रहा है कि बेटी को हिजाब पहनने कहते थे, लड़का जो है ड्रग्स लेता था, ये सब बात हुई क्या सर आपकी? नहीं, ड्रग लेता था ये तो बात हुई नहीं, लेकिन वो घर को बुलाते थे और माताजी भी उनके माताजी के साथ बात होती थी। तो 3 महीने से लगातार उनको ऐसा ट्रैप किया था कि वो मतलब एकदम उसके इसमें प्रेम में फंसी हुई थी और एकदम फैमिली उनको एकदम मतलब ब्लैकमेल कर रही थी। तो ये उन्होंने माताजी ने बताया है, लेकिन जो भी है, लेकिन जो भी हुआ है ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, बहुत बड़ा सीरियस मामला है और ऐसे केस में ऐसे आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हिजाब पहनने के लिए मजबूर करते थे, ऐसे कोई बात नहीं है। हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता था, कुछ और जांच करने की बात है सीबीआई से या परिवार की तरफ से। उर्दू भाषा जो है वो सिखाई जा रही थी तुलसा को, परिवार ने बात कहा हिजाब पहनने के लिए फोर्स किया जाता था, ये क्या ये लव जिहाद नहीं है? नहीं, हिसाब के बारे में तो मुझे नहीं बताया, लेकिन वो उर्दू उनको सिखाया था या उर्दू बोलती थी ऐसा माता जी ने हमको बताया है कि जो भी मामला हो, मामला सीरियस है, मामला बहुत बड़ा गंभीर है। एक लड़की की